अभिनंदन सर्वोदय एकेडमी के इस मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 2 मई को आज के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व अस्थमा दिवस। हर साल मई के महीने में और पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है। सबसे पहली बार जब ये दिवस मनाया गया था वो था 1998, उसके बाद में हर साल ये मनाया जा रहा है। अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है, नॉन क्योरेबल डिजीज है। किसी को अस्थमा हो गया, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण कम किए जा सकते हैं, पर किसी को अगर अस्थमा हुआ है तो लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि ये इसकी पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं है, पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं है जिसे आप पता कर पाओगे, पर्टिकुलर ड्रग नहीं है कि ये दे दो तो ये अस्थमा ठीक ही हो जाएगा। आप इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण कम कर सकते हो, पर ये कंप्लीटली नॉन क्योरेबल डिजीज नहीं है, नॉन क्योरेबल डिजीज है, ये लाइलाज बीमारी है। तो 1998 से हम इसको लगातार मना रहे हैं। अस्थमा जो ऑर्गेनाइज करता है इसको, हर साल एक नई थीम पर ये काम करता है, एक ऑर्गेनाइज बाई, इट इज ऑर्गेनाइज बाई जीना, इट इज ऑर्गेनाइज बाई जीना, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। तो ये ऑर्गेनाइज करती है हर साल इसको। एक इट इज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज जीना, जीना क्या है? तो जीना इट इज ए कोलैबोरेशन, इट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड अस्थमा एजुकेटर्स, अस्थमा एजुकेटर और हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बीच में एक एसोसिएशन है, एक कोलैबोरेशन है, उसके बेसिस पर हर साल ये मनाया जा रहा है। लोगों को एजुकेट करना, यही है इस दिवस का मेन मुख्य उद्देश्य जो है वो है लोगों को एजुकेट करना, अस्थमा के बारे में बताना कि अस्थमा किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरीके से इससे दूर रहा जा सकता है। अस्थमा मेनली इस बीमारी में होता क्या है? तो इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ मेन लक्षण है। आपको सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो नोज से अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एल्वियोलाई तक का जो पार्ट है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्टिकुलर प्रॉपर जो एयर का अमाउंट है जो अपने लंग्स तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता, इसलिए सांस लेने में जो तकलीफ प्रोड्यूस हो रही है वही क्या है, अस्थमा। तो दमे की बीमारी, इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि यार उसको अस्थमा है, तो अस्थमा नहीं बोलते, उसको बोलते यार उसको दमे की बीमारी। दमे की बीमारी का मतलब सांस लेने में तकलीफ, तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें सूजन आ गई है। अब जो म्यूकस का जो फॉर्मेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो बहुत ज्यादा होने लगता और वो कफ के रूप में बाहर आता। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, कब, 1998, फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जीना, इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड द अस्थमा एजुकेटर्स। अब एक बार एक और सबसे अच्छा पॉइंट है कि इस साल की जो अस्थमा की जो थीम है वो क्या है, तो 2023 की जो थीम है वो है अस्थमा केयर फॉर ऑल। ये भी अच्छा पॉइंट है, अस्थमा केयर फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। और थीम का उद्देश्य क्या है कि अस्थमा के बारे में सबको जागरूक करना। ऐसे ही 2022 की थीम है, ऐसे ही 2021 की थीम है। तो इसमें 2021 की थीम क्या थी, अनकवरिंग द अस्थमा मिसकंसेप्शंस। ऐसे ही 2022 की थीम क्या थी, जो गैप है अस्थमा केयर में उनको कवर करना, उनको क्लोज करना। ये थीम्स हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो ये तीनों चारों पॉइंट कब से स्टार्टिंग हुई, 1998, हर साल मनाया जा रहा, ऑर्गेनाइज बाय जीना, जीना क्या है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। फिर इनकी थीम 23 की थीम क्या है, 2023 की, अस्थमा केयर फॉर ऑल। ऐसे ही 21 की थीम क्या थी, अनकवरिंग द मिसकंसेप्शन फॉर अस्थमा। और 2022 की जो थीम है वो क्या है, क्लोजिंग द गैप्स, अस्थमा केयर के बीच में जो गैप बने हुए हैं तो उनको क्लोज करना। हर साल एक थीम बनाने के पीछे रीजन यही है, लोगों को एजुकेट करना विद द राइट पाथवे। आजकल जिनमें अस्थमा है, मेनली अस्थमा हो क्यों रहा है, तो अस्थमा के कई टाइप हैं। मेनली जो कॉमन अस्थमा है, कॉमनली जो लोगों में मिलता है इंडिया में, वो है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा क्या है कि लोगों में धूल के कण, मिट्टी से के ही एलर्जी होने लगती है। अब उनके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है कि वो धूल के कणों से दूर रहें, पर कई बार क्या होता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो अस्थमेटिक अटैक आने लगता है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी। और अस्थमेटिक
जो पर्सन होंगे जब वो सांस लेंगे तो एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, घरघराहट जैसी आवाज सुनाई देगी, कर्कश आवाज आएगी, सीटी बजने जैसी आवाज आती है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि अस्थमा की पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि ये टेस्ट करो अस्थमा का पता चल जाता है, और अस्थमा की कोई डिग्री भी नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है। आप उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के कॉन्टेक्ट में आओ, अगर वो धूल और कण से होने वाली एलर्जिक अस्थमा है अगर आपको, तो अगर आप धूल और मिट्टी के कणों के पास आए तो अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। तो ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है, आप कहाँ हो उस कंडीशन पे अस्थमेटिक अटैक आ सकते हैं। तो अस्थमेटिक पर्सन जो है उनको हमेशा इनहेलर्स का यूज करना चाहिए, और इनहेलर्स में है क्या, स्टेरॉइड्स है, तो उस पाथवे को क्लियर करेंगे, उस सूजन को कम कर देंगे, जिससे प्रॉपर एयर वे फ्लो किया जा सके। तो साइंस वाइज और पर्टिकुलर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कब से, स्टार्टिंग 1998 जीना ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ये तीन जो थीम है, अस्थमा केयर फॉर ऑल, 2022 की थीम क्या है, 2022 की थीम गैप्स को क्लोज करना बिटवीन द अस्थमा केयर, और 2021 की थीम क्या थी, अनकवरिंग द अस्थमा मिसकंसेप्शन। किस टाइप ऑफ अस्थमा, तो टाइप ऑफ अस्थमा में एक तो एलर्जिक अस्थमा जो कॉमन अस्थमा है कि मिट्टी के धूल के या मिट्टी के कणों से ही किसी को दिक्कत होने लगी, या ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है, कुछ लोग का व्यवसाय ऐसा ही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल प्रोड्यूस हो रही है, मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा, जैसे ग्राइंडिंग होती है, स्टोन की जो ग्राइंडिंग होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है। एक्सरसाइज से भी अस्थमा होता है कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करो तो भी अस्थमेटिक अटैक आ सकते हैं। तो अस्थमा के कई प्रकार हैं, और अस्थमा का कोई पर्टिकुलर टेस्ट ऐसा नहीं जिससे आप आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये इस प्रोफेशन को अस्थमा है ही। अस्थमा के लिए यही है कि उस एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आने से ही वो सिम्टम ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। एक एडल्ट ओनेस अस्थमा भी होता है जो सिर्फ एडल्ट में ही होगा, बाकी नहीं होगा। तो इन सबको समराइज करके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मई के महीने में पहले मंगलवार को मनाया जा रहा है, इस बार ये 2 मई को है, अगली बार ये डेट चेंज हो सकती है। बाकी 1998 में पहला केस, जीना द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द कोलैबोरेशन, किसकी इसके बीच का कोलैबोरेशन, बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड द अस्थमा एजुकेटर्स। वो थीम याद करनी है, और टाइप ऑफ अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा है, एडल्ट ओनेस अस्थमा है, या स्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा है, इनहेलर्स का यूज कब करना है, जब अस्थमेटिक अटैक आए। तो अगर अस्थमेटिक पर्सन है तो हमेशा उनको इनहेलर साथ में रखने चाहिए, क्योंकि अटैक कभी भी आ सकता है, कभी भी आप ऐसे इन्वायरमेंट में आ सकते हो जहां पर आपको अटैक आ सकता है, अस्थमेटिक अटैक, अगर आप एलर्जिक अस्थमा आपके अंदर है तो। तो अस्थमा एक नॉन क्यूरेबल डिजीज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अस्थमा अगर किसी को हुआ है तो उसके साथ हमेशा अस्थमा चलेगा, हो सकता है आप उसके सिम्टम कम कर सकते हैं। बाकी मास्क वास्क यूज करके कैसे भी करके उस इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आना जिससे आपको अस्थमा हो सकता है। तो इन सब को समराइज करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस जो अस्थमेटिक डे अपन बना रहे हैं इसको ध्यान रखते हुए सभी लोगों को एजुकेट करें और बताएं कि अस्थमा से किस तरीके सिम्टम्स आ सकते हैं, टाइप क्या है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।